हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिव कुमार यादव। शिव डिग्री लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल चैप्टर का यह आज 10वां लेक्चर है। आज के दिन हम यह 8 प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस 8 प्रश्न में हर एक प्रश्न में जो है एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। मतलब जितने यहाँ जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब में एक्स का मान निकालना होगा। इसके पहले हमारा इस चैप्टर में 9 वीडियो लेक्चर कवर हो चुका है। आप अगर वहाँ से आकर यहाँ तक देखते हैं तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम्स के सलूशन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या लिखा है, स्क्वायर रूट 1 + 27/169 = 1 + x/13। अब जरा हमने यहाँ पर इसका तीरे गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 169 + 27/169, ऐसे हम इसका तीरे गुणा कर देंगे तो 13 + x/13। अब क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए। 7 + 9 कितना होता है, 9 + 7 कितना होता है, 16 से लगेगा 1, 6 + 2 = 8 और 1 = 9, 196/169 = 13 + x/13। 196 का वर्गमूल होता है 14 और 169 का वर्गमूल होता है 13, ठीक है, बराबर। फिर 13 + x/13 लिखा है, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो ये 13 और ये 13 कैंसिल हो जाएगा। 14 बराबर उधर क्या बचेगा, 13 + x, ठीक है। अब वो अंक इस अंक की तरफ आए, x की वैल्यू ज्ञात करना है तो इसका मतलब x एक तरफ रहेगा और अंक एक तरफ रहेगी, तो इसको इधर आना होगा। तो 14 - 13 = x, 14 में से 13 जाएगा, 1 बचेगा, x बराबर कितना दिख रहा है, 1, x बराबर 1। आप इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लें, ये हमारा क्वेश्चन है। ने इसका तेरे गुणा इसमें किया तो 169 + 27 / 169 बराबर, फिर इसका इसमें गुणा किया 13 + x फिर 13, इसको जोड़ दिया 196/169, ठीक है। फिर ये आपका वही चीज़ है, सेम 169 का वर्गमूल 14, क्योंकि करने लगी है स्क्वायर रूट लगा इसलिए इसका वर्गमूल निकलवाओगे, इसका 14 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा, यह वही चीज़ है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 14 = 13 + x, तो 13 इधर आएगा माइनस में, x = 1। तो यह पहला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न हमारा है √1 + 25/144 = 1 + x/12। तो स्क्वायर रूट इसका इसमें गुणा करेंगे, 144 + 25/144 = 1, इसका तीन गुणा करेंगे तो 12 + x/12, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 169 और ये आपका जुड़ जाएगा, सॉरी ये तो चाहे 144 है, ये हो जाएगा आपका 12 + x/12, 169 का वर्गमूल 13 और 144 का वर्गमूल 12 बराबर 12 + x/12 कितना जाएगा 12। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, अब आपका आया क्या 13 बराबर 12 + x, फिर वैसे ही इसको आप इधर लाएंगे तो 13 - 12 = कितना जाएगा आपका x, 13 में से 12 जाएगा 1 बचेगा, x बराबर कितना आया 1। कैसे हल किया गया एक बार फिर से देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, इसका तीरे गुणा करेंगे 144 + 25 / 144, इसका तीरे गुणा करेंगे 12 + x / 12, इसको जोड़ दिए 169/144, ये वही चीज़ है, इसका वर्गमूल 13 इसका वर्गमूल 12, ये वही चीज़ है, 12 से 12 कैंसिल, 13 = 12 + x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 13 - 12 = 1 बचेगा, तो x बराबर कितना आया 1, यह भी हल हो गया।
अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तीसरे प्रश्न में लिखा है स्क्वायर रूट 1 + x / 144 बराबर 13/12। सेम ही है, वैसे ही करेंगे, 144 गुणा करेंगे, 144 प्लस एक्स बटा नीचे 144 बराबर 13/12। तो ये आपका देखिए, अभी इसके पहले यहाँ जो था दो क्वेश्चनों में वहाँ अंक था तो हमने उसको जोड़ दिया, जुड़ जाता था अंक होता था, बट यहाँ 144 में एक्स तो नहीं जुड़ेगा, एक्स की जगह कितना अंक है हमको नहीं मालूम, तो हम क्या जोड़ दें उसमें, यह भी नहीं, मतलब 144 में एक्स जोड़ने पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, तो ये करने के बाहर कैसे आएगा, समस्या है। तो एक तरीका यहाँ पर डेवलप किया जाता है कि दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग कर दें, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो इसकी करनी गायब हो जाएगी, और इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो यहाँ 13 का वर्ग हो जाएगा और 12 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। जब भी वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का करते हैं, अगर बराबर का चिन्ह है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इसकी करनी गायब हो जाएगी, यहाँ 144 प्लस एक्स बटा नीचे 144, 13 का वर्ग हो जाएगा 169 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। अब ये आपका 144 यहाँ, 144 यहाँ है, 144 प्लस एक्स बट ये आपका 144 144 कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा बाय आप 169। एक्स की वैल्यू याद करना, तो ये अंक वाला अंक की तरफ जाएगा, एक्स बराबर 169 माइनस 144, एक्स बराबर 169 से 44 घटेगा कितना आएगा 13। तो इस प्रश्न में एक्स की जो वैल्यू आई, चलिए अब चौथा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चौथा प्रश्न में क्या लिखा है, एक्स बटा 2 बराबर 128 बटा एक्स, इसका तिरक गुणा इसमें कर दिया जाएगा, इसका तिरक गुणा इसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका गुणा जब इसमें आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसमें करेंगे तो 128 गुणे 2, एक्स स्क्वायर बराबर 128 का 2 में गुणा करेंगे तो 256 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर में है उधर जाएगा तो मतलब इसमें करनी लग जाएगी, मतलब ये जो यहाँ वर्ग में है जब उधर जाएगा तो वर्गमूल का चिन्ह इसके लिए बन जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 256 और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। तो इस प्रश्न में जो उत्तर आया वो कितना है 16। एक बार पुनः देखें आप, इसका इसमें गुणा हुआ x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो 128 बढ़ते 2, अब इसमें गुणा कर देंगे 256 मिलेगा हमको, और फिर ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा इस मतलब तो इसमें वर्गमूल बन जाएगा और 256 का वर्गमूल 16 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्स बटा 16 बराबर 128 बटा आपका एक्स लिखा है, 128 बटा एक्स, फिर वही चीज का इसमें गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर बराबर 128 गुणे 16, एक्स स्क्वायर बराबर। अब एक बात है कि अब आप इसमें इसका गुणा करेंगे, ठीक है, बिना गुणा किए तो काम होगा नहीं, तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 16 का जब इसमें गुणा करेंगे, या एक काम ये कर किया जाए, यहाँ पर गुणा ना करके इस स्क्वायर को अभी उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो 128 गुणे 16, यहाँ गुणा में अगर कोई चीजें हैं अगर उनका वर्गमूल बनना है तो उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, तो जैसे 16 का तो बन जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, लेकिन 128 का वर्गमूल नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज जानते हैं, 128 को हम लिखेंगे 2 × 64, मतलब कुल मिलाकर ये बंद कर लेते हैं, 2 × 64 × 16, एक्स स्क्वायर बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 16 का वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 8 बाहर आया, इसका वर्गमूल 4 बाहर आया, बट ये तो नहीं आएगा बाहर, तो वो करने में बना रहेगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 चौका कितना होता है 32, 8 चौका 32 करने में 2। आप पुनः इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का एक्स बटा 16 बराबर 128 बटा एक्स हमने वहां पर लिखे, इसका इसमें गुणा किया एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा किया, तो ये चीज आई, ठीक है। अब
128 का तो वर्गमूल नहीं निकल सकता, 16 का निकल सकता, इसलिए 128 को 2 बढ़ते 64 लिखा और ये 16 है। 64 का वर्गमूल 8 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, करणी में रहेगा 2। 8 का 4 में गुणा करेंगे 32 आएगा, करणी में 2। सॉरी हम एक चीज़ यहाँ गलत कर दिए, जब ये स्क्वायर इस तरह ले जाया जाएगा तो इसमें वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा, तो ये वाला चीज़ यहाँ से हट जाएगा, इसमें ये नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे इसका स्क्वायर हटते हैं उधर वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए एक्स बराबर आपका 32√2 होता होगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न भी हो गया, अब हमारे पास 3 और प्रश्न बचे हैं, उनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जो है छठा नंबर प्रश्न, इसमें लिखा है 50/x = x/8, तो x का x में गुणा, इसका इसमें गुणा, 50 × 8 = x², इसका इसमें गुणा हो जाएगा। 10 बढ़ा लीजिए, 8 × 5 कितना होता है 40, 10 बढ़ा लीजिए 8 × 5 = 40 = x². आपने अभी पढ़ा कि जब इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, तो उधर से स्क्वायर हटा इधर वर्गमूल का चिन्ह हो गया 400 में, ठीक है, बराबर x, 400 का वर्गमूल 20 होता है, बराबर x, x बराबर कितना है 20 है, ठीक है। छोटी संख्याओं का वर्गमूल हम लोगों को निकालना नहीं चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, 1 से 25 तक का वर्ग भी याद रखना चाहिए, और उनके जो वर्ग होते हैं अगर उन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाए तो यह भी हमको याद होना चाहिए। जैसे अगर 12 का वर्ग करते हैं तो 144 आता है, तो 144 का वर्गमूल हमें पहले से याद होना चाहिए कि 12 आएगा। 16 का वर्ग करते हैं 256 आता है, तो 256 का वर्गमूल कितना होगा 16 होगा। 25 का वर्ग करते हैं 625 आएगा, तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो यहाँ तक की जानकारी आपको होनी चाहिए, बार बार वर्गमूल उस विधि से हम निकालने नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम लगता है और आपको कम टाइम में ज़्यादा काम करना है, ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आप याद रखना सीखें। चलिए आगे चलते हैं, तो अब क्या है, अब आपका प्रश्न संख्या 7, ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में लिखा है 50/x = x/12/2, ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 50/12/2 = x², इसका इसमें गुणा हो जाएगा 50/, अब इसको उचित भिन्न में हमें बदलना होगा, ये मिश्रित भिन्न है, पहले उचित भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न और उचित भिन्न क्या होता है वो जब मैं भिन्न का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको समझ में आएगा। इसे उचित भिन्न में बदलने के लिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 12 दोनों कितना हो जाएगा 24, और एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 25, 12 × 24 = 25 / 2 क्या हो जाएगा 2 बराबर x², इसका इसमें गुणा कर देंगे, सॉरी इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25/25 = x², उसका स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल का चिन्ह बनेगा, हम जानबूझकर गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यह वर्गमूल का चिन्ह बन गया बराबर x। अब जो वर्गमूल के चिन्ह में 2 बार गुणा में रहेगा वो बाहर आएगा और उसकी करनी हट जाएगी, ठीक है, यह आया आपका 25 = x, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 25 का 25 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 25 का 2 और बराबर क्या है x² यहाँ पर घात दो यहाँ पर घात दो तो x की जगह क्या नजर आ रहा है 25 नजर आ रहा है, तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न यहाँ बाकी है, उसको भी देखते हैं। प्रश्न है √x/19 = 4, तो √x = इसका इसमें गुणा हो जाएगा 19 × 76, ध्यान दें इसका इसमें गुणा होगा 19 × कितना हो जाएगा 76। अब जैसे स्क्वायर रहता था तो उस तरफ जाता था तो वर्गमूल का चिन्ह बनता था, अब इसमें वर्गमूल का चिन्ह है उस तरफ अगर इसको ले जाएंगे तो स्क्वायर का चिन्ह उस तरफ बन जाएगा, मतलब उस पर स्क्वायर आ जाएगा x = 76 का स्क्वायर। अब 76 का स्क्वायर आपको नहीं याद होगा, आप कलम उठाएंगे 76 का 76 में दो बार गुणा करेंगे,
बट दो अंकों की संख्या के लिए हमने वर्ग करने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताया है, ठीक है, उसी के जरिए हम इसका वर्ग निकालेंगे। भाई 76 का वर्ग निकालना है, 76 के नज़दीक सरल संख्या कौन है? 80। कितना ऊपर जाएंगे? 4। 76 से 4 अधिक है 80, उससे 4 कम चले आइए तो कितना बचेगा आपका? 72। जितना आप सरल संख्या में ऊपर या नीचे जाएंगे, इससे सरल संख्या प्राप्त करने के लिए 4 ऊपर गए तो उतना ही आपको नीचे आना पड़ेगा। फिर इसका गुणा कर दीजिए, इसका और इसका, ठीक है। ये 0 पहले से है, 8 गुना 16 के 6 लगाइए, 8 से 56, 1 57, ये हो गया। अब ये जो अभी था इसका भी गुणा करते 4 चौका 16, इसमें आपको 16 जोड़ना पड़ेगा। तो अब अगर आप जोड़ देंगे उसमें 16, तो 6 और ये 7 और ये आपका 5776। इसमें हमने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, वरना